दोस्तों रिचार्ज तो काफी महंगा हो गया, मगर हमें इसकी कुछ खास वजह मिली नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनियां सारी मिलके हमारे साथ सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं? डेफिनेटली दोस्तों ऐसा ही कर रही हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ना, मैं रिसर्च कर पाया, मैंने देखा कि सारी कंपनियां ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही हैं, करोड़ रुपए तीन तीन महीने में प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी इन्होंने क्यों रिचार्ज महंगा कर दिया, ये मेरी समझ से बाहर है दोस्तों। मगर इस चीज के बारे में मैं चाहूंगा सारे टेक यूट्यूबर्स को बोलना चाहिए और सरकार को भी इसमें दखल अंदाजी देनी चाहिए, वरना ऐसे तो कोई भी कंपनियां यार कल को उठ के कुछ भी बढ़ा देंगे, जो लोड पड़ेगा वो हमारे ऊपर ही तो पड़ेगा, हमारी जेब से तो पैसा निकलेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं ये कंपनियां कैसे बदमाशी पर उतर आई हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? कुछ लोगों ने कमेंट करी है कि भैया अंबानी के लड़के की शादी थी, उसका खर्चा निकालना था, इस वजह से रिचार्ज हाई कर दी। तो भाई इस हिसाब से तो 9 महीने बाद दोबारा रिचार्ज हाई हो जाएंगे, और कहीं सतमाशा हो गया तो उस 2 महीने पहले रिचार्ज हाई हो जाएंगे। भाई क्या हमने क्या इनकी कैटरिंग का ठेका उठा रखा है? हम अपनी जेब से पैसे क्यों दें? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं ना, हम अपने शौक के लिए यूज नहीं करते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारी जरूरत बन जाती है। गरीब आदमी के लिए तो इस वक्त जरूरत बना दी गई है जबरदस्ती सरकारों को द्वारा, क्योंकि देखिए कोई गरीब आदमी अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कराने जाता तो पहले तो लंबी लंबी लाइनों में लगेगा, उसके बाद लाइन में लगने के बाद जब खिड़की तक पहुंचेगा उसके बाद अंदर से आवाज आती है कि भैया एक फोन नंबर बताओ, ओटीपी आएगा, भैया रिचार्ज कराना तो जरूरी कर दिया गया। अब देखिए इस रिचार्ज का है ना सोल्यूशन, अगर सरकार हमारा साथ देना चाहे ना, तो मैं बताऊं किस तरीके से साथ दे सकती है। अगर सरकार ये पुराने वाला जो रूल होता था ना कि आप 3-3 महीने तक आपकी वैलिडिटी फ्री रहेगी इनकमिंग की, मैसेज भी आते रहेंगे, मैसेज कर नहीं सकते, आते रहेंगे, कॉल भी आती रहेगी, तो ये काम अगर सरकार करा देना तो मैं समझूं कि सरकार ने हमारे पक्ष में कुछ काम किया है, तब थोड़ा बहुत जाके इन कंपनियों की अकल ठिकाने आई। क्योंकि देखिए पहले कंपनियां सुविधा दिया करती थी कि अगर रिचार्ज ना कराओ 3 महीने 6 महीने तो आपकी इनकमिंग चालू रहेगी, आउटगोइंग बंद हो जाएगी, वही चीज़ मैं चाहता हूँ। मगर आजकल क्या कर दिया इन्होंने कि 28 दिन का रिचार्ज वैसे ही कर दिया, और 28 दिन के बाद अगर 5 दिन तक आप ना रिचार्ज कराओ तो भैया सिम भी बंद हो जाती है, 3-4 दिन बाद फ़ोन आने भी बंद हो जाते हैं। ये सोल्यूशन मेरे हिसाब से, अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये सोल्यूशन सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के एक गरीब तबके की, तो इसके घर में तो भैया 2500 रुपये बढ़ गए 100 रुपये पे। अगर घर में 3 मोबाइल है, उन तीनों मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं 300-300 रुपये के, पहले होता था 250-250 रुपये का, तो भैया 750, अब उसको 900 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो देखिए 100-150 रुपये भी एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। मेरा तो साफ तौर पर कहना यही रहेगा कि इस रिचार्ज को भैया कम किया जाए और सरकार हमारा इस तरीके से साथ दे सकती है। और देखिए कुछ लोगों के क्वेश्चन ये है कि सर क्या BSNL में स्विच कर लेते हैं? BSNL की सर्विस देखिए आप जानते 2G पे ऑलरेडी चल रहा है भैया, 3G उसने अभी तक ढंग से पकड़ा नहीं है, वो 4G 5G कहां से पकड़ लेगा? अगर लोग बाग Jio और Airtel से स्विच करने लगे BSNL के अंदर, तो सरकार तो कल को ऐसे ऐसे रूल लागू कर देगी कि भैया आपको अगर BSNL में स्विच करना है तो इसके लिए आपको ये लाना पड़ेगा, ये आधार कार्ड, इसमें बाप का आधार कार्ड, दादा का आधार कार्ड, ये चीजें जोड़ देंगे, भाई साहब फिर कहां से लेके आओगे? मतलब BSNL में आने के लिए इतना परेशान कर देंगे बंदे को कि वो बंदा Jio और Airtel में ही कहेगा कि भाई साहब क्या Jio और जीने दो, वो Jio में रह जाएगा। क्योंकि ये भी एक मुसीबत बनती जा रही है दोस्तों, अलग अलग रूल अभी सरकार के निकलेंगे BSNL में स्विच करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक एक हफ्ते तक अगर सिम बंद रहेंगी तो भैया लोगों के काम कैसे चलेंगे? आजकल बिना फोन के काम होता ही नहीं है किसी का भी, एक मजदूर का काम भी है ना बिना फोन के नहीं होता है। मुझे मान लीजिए किसी मजदूर से कुछ काम कराना है, तो भाई मेरे पास जिस मजदूर का नंबर होगा ना, मैं ढूंढने क्यों जाऊँगा किसी को, मैं सीधा उसके पास फोन कर दूंगा, वो मेरे घर पर आ जाएगा, अपने दिहाड़ी लेगा, काम कर लेगा। जिस मजदूर के पास फोन नहीं होगा वो तो भाई साहब खाली बैठा है इस टाइम पे, क्योंकि उसके पास कोई सुविधा है ही नहीं ऐसी, तो जिसके पास फोन है वही इस वक्त दाल रोटी खा सकता है। तो ये हाल तो हो रखा है देखिए पब्लिक का, तो मेरी समझ में तो यही आता है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या ये सही था रिचार्ज के बारे में इनका जो निर्णय लिया गया, सही है या फिर गलत है, या फिर इसे हम वही बोलेंगे चंदा धंधा मॉडल, चंदा दो और धंधा लो ये वाला मॉडल हम बोलेंगे इसको, पूरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है ऐसा कि पब्लिक की परेशानी को सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार इस चीज़ में इंटरफेयर करे, क्यों नहीं करते भैया, इन पे लगाम लगाओ ना इन कंपनियों पे। ये तो यार कल को कुछ भी बढ़ा देंगे कि भैया अब मैसेज के भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे आपको, 200 रुपये का रिचार्ज, मैसेज का भी अलग करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं फिर? कुछ नहीं कर सकते। इन कंपनियों के बारे में तो मैं रिसर्च कर ही लिया मैंने सारी, ये सारी कंपनियां प्रॉफिट में चल रही, फिर उन्होंने क्यों रिचार्ज बढ़ा दिया? एयरसेल डोकोमो ये 5 रुपये का हम रिचार्ज करते थे, 5 रुपये का छोटा रिचार्ज, और भैया पूरे महीने भर की वैलिडिटी हमको मिल जाती थी इसमें।
यदि कम से कम फोन तो आते थे, मगर अब क्या हो गया, आप हर महीने हमको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। मोबाइल फोन बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम पे, और सबसे ज्यादा लगाम लगानी चाहिए जियो के ऊपर, क्योंकि देखिए 82 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं इंडिया के अंदर, उनमें से 46 करोड़ तो सिर्फ जियो के पास है। जियो एक बड़ा ऑपरेटर हो गया इस हिसाब से, है ना, तो इस पे लगाम लगा देंगे तो बाकी जो छोटे जो ऑपरेटर है जो वो भी अपना बढ़ाने की सोच रहे हैं तो वो भी शांत बैठ जाएंगे। वो 5 रुपए 14 रुपए वाला रिचार्ज जब हम कराया करते थे, पूरे महीने की वैलिडिटी हमको मिल जाती, उस टाइम पे जियो ने कितना बड़ा गेम खेला था कि 6-6 महीने की वैलिडिटी फ्री देते थे। ये फ्री में दे दे के, है ना, इन्होंने हमारी आदत बिगाड़ दी। अब हमें आदत लग गई, छोटी कंपनियां बर्बाद हो गई, वो जा चुकी हैं, अब वो दोबारा तो आएंगी नहीं। 4 कंपनियों के हाथ में पूरा देश है, अब ये चारों अपने हिसाब से चलाएंगे ना, क्योंकि अब हमारी चॉइस नहीं है इनका रिचार्ज करवाना, अब तो इनकी चॉइस है कि हमसे कितने का रिचार्ज ये करवाना चाहेंगे। जितने का कह देंगे हमें कराना पड़ेगा, आदत पड़ चुकी है हमको। तो जितने भी टेक यूट्यूबर है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया आप कृपया करके इस बारे में बोलें, फोन वगैरह के रिव्यू देखो होते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे, मगर के बारे में भी कुछ बोलो। अभी अगर नहीं बोले ना तो आगे जाके ये फिर बढ़ाएंगे और फिर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भैया पहली बार में नहीं बोले तो अब कौन सा ये तीर मार लेंगे। तो हम सबको इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, थोड़ा बोल लें, मगर थोड़ा सा दोस्तों अपनी ऑडियंस के लिए बोल लें, क्योंकि ऑडियंस हम पे भरोसा करती है। जो सब्सक्राइब करे बैठे हैं लोग बाग, ये भरोसा ही तो करते हैं हम पे, तो इसलिए बोलना चाहिए इसके बारे में। भाई ये 25 रुपये जो बढ़े ना, बहुत बड़ी रकम होती है। किसी के लिए 50 रुपये बढ़ गए, किसी के लिए 25 रुपये बढ़ गए, किसी के लिए अलग अलग रिचार्ज पे बढ़ गए, तो भाई कम से कम गरीबों को इसका नुकसान ना झेलना पड़े। अमीर आदमी तो करा लेगा भैया, अमीर आदमी तो देखो एक्सटर्नल में 2-2, 3-3 मोबाइल फ़ोन रखता है, सब में रिचार्ज करा के रखता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। मगर एक गरीब आदमी के पास सोचना पड़ता है उसको, भैया दिन में जो 500-600 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसमें से वो कैसे वो उन पैसों को मैनेज करेगा, तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।